सो गाइस आप देख सकते हो ये हमारे पास गोदरेज का इन्वर्टर एसी है गाइस, और इसमें E4 का एरर आ रहा है। तो E4 का एरर हमारी गोदरेज की इन्वर्टर एसी में गाइस रूम टेम्परेचर सेंसर की वजह से आता है, या फिर हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर इसमें खराब हो गया, या तो हमारी PCB बोर्ड खराब हो गई है। इन दोनों में से एक समस्या है इसके अंदर। तो चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस एसी के डोर यूनिट को खोलेंगे गाइस। तो गाइस हमने सिर्फ आगे का यहाँ से ढक्कन ही खोला और हमें पता चल गया यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे चूहों ने तारों को काट रखा है, इसलिए यहाँ पे E4 का एरर आ रहा है। गाइस आप देख सकते हो चूहे ने किस तरीके से तारों को काट दिया है। चूहे ने बिल्कुल भी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ चूहे ने नहीं काटा, ये पूरा थर्माकोल खा गया यहाँ का। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास सेंसर के तार को भी काट दिया है, ये जो इनडोर से आउटडोर को टेम्परेचर सप्लाई जाती है वो वाली सप्लाई भी कट गई। और यहाँ हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर है, जो रूम टेम्परेचर सेंसर है गाइस ये वाला, इसको भी तारों को काट दिया है। तो चलिए इसको जॉइंट मारते हैं। वायर को भी जोड़ दिया है जो हमारी आउटपुट को सप्लाई जाती है इन्वर्टर वाली येलो कलर की। और यहाँ पे हमने टेम्परेचर के वायर को भी जॉइंट मार दिया है सेंसर को भी, और अब हमने इसे फिट कर दिया। चलिए अब इसे फिट करके चेक करते हैं हमारा एरर सॉल्व हुआ है या नहीं। हमने एसी को चालू किए हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, और अभी जो इसके ऊपर E4 का एरर आ रहा था वो एरर जा चुका है। तो यहाँ पर E4 का एरर हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर चूहे ने तार काट दिया था उसकी वजह से आ रहा था गाइज।